हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं देखिए, यहाँ रात का टाइम है और इवनिंग का, तो ये मैं आज बनाऊंगी लिट्टी, और लिट्टी और चोखा और हरी चटनी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आटा को लगा के रख ली थी और यहाँ मैं ये जो सत्तू है इसका फिलिंग तैयार कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं लिट्टी को बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो कर दीजिए। और अभी देखिए, तो अब लिट्टी बनाती हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह से ऐसे इसको गोल कर लूंगी लिट्टी को। और ये ना बिहार का बहुत प्रसिद्ध डिश है, और अभी का जो टाइम है ना वो बारिश का टाइम है, तो अभी के टाइम में लिट्टी चोखा और धनिया का पत्ती चटनी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इस तरह से इसको कर लूंगी। और तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से जो सभी लिट्टियां हैं इनको बना लूंगी और उसके बाद इसको फ्राई कर लूंगी। तो ये आग पे भी ये लिट्टी बहुत अच्छे से पकता है, जैसे ये गोइठा होता है ना, और हम लोग की तरफ तो गोबर का जो बनता है उसे गोइठा ही बोला जाता है, उस पे ये लिट्टी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। पर यहाँ गोइठा नहीं मिलेगा तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी, इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ मौसम बहुत ज्यादा, 4-5 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है, और खास करके बारिश के टाइम में ही ये सब खाने का मन करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको बना ले रही और अब तेल मेरा गर्म हो गया, इसको चेक कर। तो फ्रेंड्स, मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब मैं अपनी सभी लिट्टियों को इसमें डाल दूंगी। सभी लिट्टी को इसी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग इस समय अभी इस मौसम में अभी हर जगह बारिश हो रहा है, तो एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। खैर, सभी लोग बनाना जानते हैं लेकिन इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये डिश खाने में। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी लिट्टी कितने अच्छे से फूल गई हैं, और मैं बस इसी तरह से एक एक करके सभी लिट्टी डाल दी हूँ इसमें। और ये ना गोइठे के आग पे और अच्छे से पकता है, बनता है, उसका स्वाद और अच्छा आता है, लेकिन यहाँ गोइठा नहीं है तो बस मैं इसी में बना लेती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरा वहाँ लिट्टी, सारे लिट्टी को मैं तल ली हूँ, तो अब यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, और धनिया पत्ती और टमाटर लहसुन और हरी मिर्च। ये धनिया पत्ती का जो चटनी होता है, हरी चटनी ना, ये सील पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो हम लोग मिक्सर में पीसते हैं ना, उसका टेस्ट अलग होता है, पर सील का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा परेशानी तो होता है पीसने में, पर टेस्टी बहुत ज़्यादा बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से बना ली हूँ, और आज हम लोग लिट्टी के साथ हरी चटनी खाएंगे, और लिट्टी के साथ हरी चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और मैं ना आलू और बैंगन टमाटर का चोखा भी बनाऊँ, तो उसके लिए भी मैं पहले ही थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च पीस ली थी, तो आप देखे होंगे। और मैं देखिए, यहाँ टमाटर और बैंगन को चूल्हे पे ही पका ली थी, और इसको मैं अच्छे से देख ली हूँ, कीड़ा उड़ा तो नहीं है, तो इसमें कीड़ा नहीं थे। तो क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो बैंगन ज़्यादा कीड़ा वाले रहते हैं, तो मैं अच्छे से देख करके सब साफ कर ली हूँ। और अब मैं यहाँ चोखा बनाऊंगी। तो चोखा बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ना सरसों का तेल डालती हूँ, सरसों का कच्चा तेल डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है, और ये लहसुन और जो मैं हरी मिर्च पीसी हुई हूँ उसको डाल दूंगी, और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मसल लूंगी। तो और यहाँ जो मैं चटनी पीस के रखी हूँ, इसमें भी थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी और नमक डालूंगी, इससे क्या होगा कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सरसों का तेल से। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाइए, और प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आए
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सभी लोग पूरा वीडियो तो नहीं देखते हैं, कोई नहीं देखते हैं, तो फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ बहुत लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं तो